सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान सने यात्रा पाबंदियों का सामना करने वाले देशों को बड़ी राहत दी है। सऊदी अरब ने कहा कि सिर्फ उन्होंने देश में वैक्सीन की पूरी डोज लगवाने तो बाद बाहर गए यात्रियों को सीधी एंट्री की आग्या दी जाएगी। इस संबंध में मंत्रालय ने दुनिया भर के दूतावासों को सऊदी राजपत्र भी जारी कर दिया। कोरोना वायरस के गंभीर हालात को देखते हुए कुछ महीने पहले सऊदी ने भारत और पाकिस्तान सने दुनिया के कई देशों तो यात्रियों के आने पर पाबंदी लगा दी सी। संबंधित देशों के डिप्लोमैट मिशनों ने सऊदी राजपत्र को इस संबंध में विदेश मंत्रालय के निर्देश की प्राप्ति की पुष्टि की है। सऊदी में प्रवासी भाईचारे के नेतावान और व्यापारियों ने किंगडम के इस फैसले की शलाघा की। नवा नियम सिर्फ उन्हां विदेशियों से लागू होगा जिन्हों को रेजीडेंसी परमिट है। वर्तमान में यात्रा पाबंदियों का सामना करने वाले देश भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और लिबनान है। अधिकारियों ने पहला सऊदी नागरिकों के नाल विदेशी डिप्लोमैटां, डॉक्टरों और उन्होंने परिवारों को यात्रा पाबंदियों का सामना करने वाले देशों तो सीधे एंटर होने की आग्या दी सी।